Hello friends, how are you all? I hope you everyone is very fine. So today I am here with new chapter. Okay, so what is the name of our chapter? That is semiconductor. You are seeing name of the chapter, right? Where I kept marker? Oh yes, yes. So what is this? This is our last chapter of the CBSE syllabus. एक्चुअली हमने चैप्टर फर्स्ट टू एट वी हैव कवर्ड फर्स्ट वॉल्यूम का कवर्ड कर लिए हैं. नाउ आई जस्ट वॉन्ट टू स्टार्ट दिस चैप्टर फ्रॉम लास्ट. ये लास्ट या लास्ट के जो चैप्टर्स हैं पहले उनको कवर कर लेते हैं जो हमें लग रहा है कि इम्पोर्टेंट भी है और कम सिलेबस भी है. पहले उसको कवर करेंगे, फिर हम रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स एंड वेव ऑप्टिक्स और एटम्स इनकी बात करेंगे. तो बच्चों स्टार्ट करते हैं, चैप्टर नेम पहले देख लेते हैं. चैप्टर नंबर 14 एंड चैप्टर नेम सेमीकंडक्टर्स एंड इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस. फिर से ध्यान दीजिए, सेमीकंडक्टर एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस, ठीक है, राइट. क्या है ये सब देखते हैं. पहले तो हम क्या करेंगे, अगर हम सेमीकंडक्टर की बात करते हैं तो पहले तो हमें मटेरियल को डिफाइन करना आना चाहिए, ठीक है. जैसा तो नेम से भी हमें पता चल रहा है कि सेमीकंडक्टर का मतलब क्या होगा, सेमी, जो सेमीकंडक्टर हो, मतलब कंप्लीट कंडक्टर ना हो, सेमीकंडक्टर हो. लेकिन ये सेमीकंडक्टर सिर्फ ना तो इंसुलेटर सिर्फ कंडक्टर की तरह बिहेव नहीं करती है, ये कभी कभी इंसुलेटर की तरफ बिहेव करता है. मतलब एक ऐसा मटेरियल जो समटाइम्स बिहेव्स लाइक अ मेटल, समटाइम्स बिहेव्स लाइक अ इंसुलेटर, ऐसे मटेरियल को हम सेमीकंडक्टर बोलेंगे. अच्छा, क्लासिफिकेशन करने के इसके डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस होती है, डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स होती हैं. उनमें से हम यहाँ पर टू मेथड्स के बारे में डिस्कस करेंगे. अगर जनरली बात करें, जो फ्री इलेक्ट्रॉन जिसके पास होते हैं उसको हम कंडक्टर बोलते हैं. यस, जिसके पास कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, सेमीकंडक्टर. जिसके पास कुछ भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, सारे बाउंड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उसको हम इंसुलेटर्स बोलते हैं. बट यहाँ पर हम जो क्लासिफिकेशन कर रहे हैं मटेरियल का, एक बार मटेरियल का क्लासिफिकेशन भी करना पड़ेगा हमें, क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स. तो मटेरियल को हम यहाँ पर क्लासिफाई करने के लिए हम टू थिंग्स इनको डिफाइन कर सकते हैं. वन इज व्हाट, रो, अनदर इज व्हाट, सिग्मा. रो इज रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल एंड सेकेंड इज व्हाट, कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल, कंडक्टिविटी, राइट बच्चों. एंड आपको एक चीज याद पता होंगी, रेजिस्टिविटी इज जस्ट रेसिप्रोकल ऑफ कंडक्टिविटी एंड वाइस वर्सा. या तो कंडक्टिविटी को रेजिस्टिविटी की रेसिप्रोकल समझ लीजिए, या रेजिस्टिविटी को कंडक्टिविटी का रेसिप्रोकल समझ लीजिए. तो ये पता है आपको, रो, यस बच्चों, ओके. अब हमें समझना है मेटल्स की जो रेजिस्टिविटी होती है वो इतनी होती है, कम होती है, बहुत कम होती है. कितनी, 10^-2 ओम मीटर टू 10^-8 ओम मीटर. ओम मीटर ऐसा यूनिट होती है रेजिस्टिविटी की. अगर इसकी कंडक्टिविटी की बात करें तो 10^2, इसका रेसिप्रोकल बनाइए, 1/10^-2 को. रेसिप्रोकल क्या होगा, 10^+2, 10^-2 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 10^+2 माइनस, इसका रेसिप्रोकल देखिए, सिग्मा इज इक्वल टू 1/ρ. ये फॉर्मूला से हमने बना लिया, ये फॉर्मूला आपको पता ही होगा. ये क्या जाएगा, 10^8 ओम इनवर्स को हम साइमन बोलते हैं, या ओम इनवर्स भी लिख सकते हैं, मीटर इनवर्स, साइमन मीटर इनवर्स, क्लियर. तो कंडक्टिविटी मेटल्स मतलब कंडक्टर, मेटल्स मीन्स क्या होता है, कंडक्टर्स, ध्यान रखिएगा, कंडक्टर्स को हम मेटल्स बोलते हैं. मोस्ट ऑफ द जो मेटल्स होते हैं वो सारे कंडक्टर्स ही होते हैं, राइट. अब सेमीकंडक्टर, अब इंसुलेटर्स की देख लेते हैं. इंसुलेटर की जो रेजिस्टिविटी होती है बहुत ज्यादा हाई होती है, 10^11 to 10^19 ओम मीटर, बहुत ज्यादा रेजिस्टिविटी होती है. अच्छा, रेजिस्टिविटी होती है, इसकी कंडक्टिविटी बहुत कम होनी चाहिए, बहुत कम, तभी तो हम उसको इंसुलेटर बोल रहे हैं, ओके. तो बताइए इसकी कंडक्टिविटी क्या होती है, 10^-11 to 10^-19 साइमन मीटर इनवर्स, वेरी लेस साइमन मीटर इनवर्स. तो देखिए कंडक्टिविटी बहुत ही कम होती है, इसलिए तो कंडक्टर की तरह बिहेव नहीं करता, तभी तो उसमें करंट फ्लो नहीं होते हैं. अब आता है इनके बिटवीन वाला पार्ट, सेमी मतलब इनके बिटवीन. इंसुलेटर की तरह बिहेव करे, मेटल्स की तरह बिहेव करे, वो प्रॉपर्टी के ऊपर डिपेंड करता है. तो अब देखते हैं इसका जो रजिस्टिविटी होती है, इसकी सेमीकंडक्टर की, वो 10^-5 से लेकर 10^+6, देखिए प्लस आ गया यहां पर, ये ध्यान रखिए, +6 ओम मीटर के बिटवीन होती है. मतलब रेजिस्टिविटी इसकी कम भी होती है और ज्यादा भी होती है,
अब इसकी कंडक्टिविटी की बात कर लेते, तो कंडक्टिविटी 10^+5 से लेकर 10^-6 साइमन मीटर इनवर्स होती है, ध्यान रखिएगा। तो समझ में आ गया, ये आपको याद रख लेना है कि मेटल्स की कंडक्टिविटी कितनी होती है, ये होती है, ये सेमीकंडक्टर की होती है इस रेंज में, और ये होती है इंसुलेटर्स की। एक याद रखेंगे, दूसरा आप खुद बना सकते हैं। तो बताइए किसकी रेजिस्टिविटी सबसे हाईएस्ट है, डेफिनेटली इंसुलेटर्स की। किसकी मीडियम है, सेमीकंडक्टर की। किसकी सबसे कम रेजिस्टिविटी है, तो वो है मेटल्स की। जिसकी रेजिस्टिविटी कम से कम होगी उसकी कंडक्टिविटी उतनी ही ज्यादा होगी। सो नाउ यू डिफाइन दिस। ओके, तो मटेरियल्स का क्लासिफिकेशन हमने कंडक्टिविटी एंड रेजिस्टिविटी के बेस पर कर दिया है, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। हम इसको फिर से डिफाइन कर देते हैं, क्लासिफिकेशन कर देते हैं मटेरियल्स का। अब देखिए, एक मटेरियल को डिफाइन करने की एक कॉन्सेप्ट और होता है, क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स। ये दूसरा मेथड होता है, इसको हम एनर्जी बैंड डायग्राम की हेल्प से भी डिफाइन करते हैं। फिर से ध्यान दीजिए बच्चों, हम इसको किस कौन से बैंड की तरफ हेल्प से इसको डिफाइन करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं मटेरियल्स का। तो देखिए, कंडक्टर या मेटल्स, इंसुलेटर्स एंड सेमीकंडक्टर। अच्छा, इनको समझने, क्लासिफिकेशन समझने से पहले हमें इसके टू बैंड्स के बारे में समझना होगा। कुछ एनर्जी लेवल होते हैं, कुछ बैंड्स होते हैं, उनको समझते हैं। तो एक होता है कंडक्शन बैंड, एक होता है वैलेंस बैंड। शॉर्ट में मैंने वी बी लिखा है, वी बी मीन्स वैलेंस बैंड, सी बी मीन्स कंडक्शन बैंड। तो पहले ये समझ लेते हैं वैलेंस बैंड क्या होता है। तो वैलेंस बैंड इज एनर्जी बैंड, ये एक एनर्जी बैंड होता है विच इंक्लूड्स दी एनर्जी लेवल्स ऑफ द बैलेंस इलेक्ट्रॉन। जो किसको एनर्जी लेवल किसके एग्जिस्ट करते हैं, बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का। दिस बैंड इज पार्शियली और कंप्लीटली फिल्ड विथ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब जो ग्राउंड लेवल वाला कॉन्सेप्ट होता है, जिसमें कंप्लीटली इलेक्ट्रॉन्स फील्ड हो सकते हैं या पार्शियली तो होते ही हैं, ये कभी भी एम्प्टी नहीं हो सकता है। तो ये लिखा है मैंने, देखिएगा, और फिल्ड विथ इलेक्ट्रॉन। दिस बैंड इज नेवर एम्प्टी, ध्यान रखिए, बैलेंस बैंड कभी भी एम्प्टी नहीं हो सकता है। अब कंडक्शन बैंड से ये पता चल रहा है, इसमें कुछ ना कुछ बैंड, कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तभी हम ये कंडक्टिविटी शो करेगा। तो देखते हैं, इट इज द एनर्जी बैंड, ये भी एक एनर्जी बैंड होता है। अबव द बैलेंस बैंड, जो कंडक्शन बैंड कहां पर होता है, ये बैलेंस बैंड अगर डाउन साइड है तो कंडक्शन बैंड अपसाइड होगा। ओके, एट रूम टेम्परेचर पर दिस बैंड इज आइदर एम्प्टी, या तो ये पूरी तरीके से खाली हो सकता है, और पार्शियली फिल्ड विद इलेक्ट्रॉन। समझ में आया? ओके, फिर से ध्यान दीजिए, इट इज द एनर्जी बैंड अबव द बैलेंस बैंड। बैलेंस बैंड के ऊपर जो होता है वो, इसको हमने देखिएगा, ये एवरी टाइम ये जो ऊपर साइड दिख रहा है, ये हमारा कंडक्शन बैंड है, और डाउन साइड वाला जो बैंड बता रहे हैं, ये और ये वी बी जहां पर लिख रहे हैं, ये क्या है, सारे बैलेंस बैंड है। क्लियर बच्चों? तो कंडक्शन बैंड ये वाला जिसमें करंट फ्लो होने लगे किसी मटेरियल में, और बैलेंस बैंड क्या, अगर इसमें सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और अगर आपका कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं होंगे, तो उसमें आपका कंडक्टर की तरह बिहेव नहीं करेगा, ये कंप्लीटली इंसुलेटर हो जाएगा। देखते हैं, थोड़ा सा समझते हैं। कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड के बीच में एनर्जी गैप होता है, एक लेवल होता है, इन दोनों लेवल एनर्जी लेवल में गैप होता है, उसको हम फोरबिडन गैप कहते हैं। क्या बोलते हैं? फोरबिडन गैप या एनर्जी गैप भी बोलते हैं, ईजी ईजी या फोरबिडन गैप। क्लियर बच्चों? तो पहले यहां की बात कर लेते हैं, किसकी बात करते हैं, पहले कंडक्टर की बात कर लेते हैं, कंडक्टर या मेटल्स की बात कर लेते हैं, कि इसमें एनर्जी बैंड और कंडक्शन बैंड का क्या है, सॉरी वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड का क्या है। देखिए, इसमें ये जो डाउन साइड वाला पार्ट था, ये पूरा ये क्या था, वैलेंस बैंड का था, और ये वाला जो पार्ट था, ये वाला पार्ट, ये देखिएगा, ये वाला पार्ट क्या है, कंडक्शन बैंड का, और ये वाला पार्ट किसका है, ये वाला पार्ट, ये देखिए, ये वाला पार्ट, ये किसका हो रहा है, वैलेंस बैंड का हो रहा है। तो ये दोनों मिक्स हो रहे हैं, ओवरलैप कर रहे हैं, इट मीन्स कंडक्शन बैंड एंड बैलेंस बैंड बोथ आर ओवरलैपिंग। फिर से ध्यान दीजिए, यहां पर ओवरलैपिंग हो रहा है, ओवरलैपिंग किसका, कंडक्शन बैंड का और बैलेंस बैंड का, ये वाला पार्ट जो होता है वो ओवरलैपिंग का हो रहा है। तो इनके बिटवीन जो गैप होता है, एनर्जी गैप, ग्रेटर देन जीरो होता है, जीरो तो नहीं होता है बट नियर अबाउट जीरो होता है कह सकते हैं, जीरो से थोड़ा सा बड़ा, 0.1 हो सकता है। ये सब किस में होगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होगा, ध्यान रखिए, ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी बोला जाता है, ये वाई एक्सिस में हम इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेते हैं। ठीक है बच्चों,
अब हम आते हैं इंसुलेटर पर, फिर से ये बैंड में बना देता हूँ, ये लीजिएगा, ये बैंड मैंने बना दिया है, ठीक है, और ये बैंड भी मैंने मेरा बना हुआ है जो बैलेंस बैंड कहता हूँ। देखिए इसमें क्या रहते हैं, सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसमें जो एनर्जी गैप होता है बहुत ज्यादा होता है। कितना बहुत ज्यादा होता है, ये ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से इतना भी ज्यादा होना है, वो सारे मटेरियल को हम क्या बोलेंगे, मतलब इनके बिटवीन जो गैप होगा तो उनको हम सब बोलेंगे, उन सारे मटेरियल को हम बोलेंगे इंसुलेटर्स। क्या बोलेंगे बच्चों, इंसुलेटर। ये एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेवल है, ठीक है, ये फिर से ये कंडक्शन बैंड है, ये वैलेंस बैंड है, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स किसमें है, वैलेंस बैंड में है, सारे इलेक्ट्रॉन्स किसमें रहना चाहते हैं, वैलेंस बैंड में। अगर हम चाहते हैं, देखिए इसमें हम क्या करेंगे, रूम टेम्परेचर पर तो ये क्या करेगा, इंसुलेटर की तरह बिहेव करेगा, लेकिन जैसे ही हम छोटी सी एनर्जी देंगे, चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करें, तो सारे इलेक्ट्रॉन जंप होकर किसमें आ सकते हैं, कंडक्शन बैंड में, क्योंकि बहुत क्लोज है। अब यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, इससे ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा, ये जो इलेक्ट्रॉन है इनको कंडक्शन बैंड में लाने के लिए आपको बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, इसलिए ये गैप को फिल करना बहुत डिफिकल्ट होता है। इसलिए उस मटेरियल को हमने क्या बोला, इसमें कंडक्शन बैंड में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं नियर अबाउट नेग्लिजिबल होते हैं, इसमें इंसुलेटर में तो इसमें पॉसिबिलिटी कम होती है कंडक्टिविटी की, इसलिए कंडक्टर की तरह नहीं बिहेव करते हैं, ये नॉन मेटल्स या इंसुलेटर की तरह बिहेव करते हैं। क्लियर है, एनर्जी गैप कितना होगा, ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इधर देखिएगा, ये कंडक्शन बैंड इंक्रीज हो गया, ये वैलेंस बैंड है, यहां पर इलेक्ट्रॉन्स रहना चाहते हैं, लेकिन जैसे ही हमने थोड़ा सा इसको हीट एनर्जी दी या कोई सी एनर्जी दी तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स इसमें जंप कर लिए। क्यों जंप कर लिए, क्योंकि जो एनर्जी गैप है इसका लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो सकता है, इससे लेस देन होता है। थोड़ी सी भी अगर हमने हीट एनर्जी दी या कोई सी भी एनर्जी बैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन्स को दी तो वो एक्साइटेड होकर कहाँ चले जाएंगे, कंडक्शन बैंड में। अब कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे तो थोड़ा सा कंडक्टर की तरह बिहेव करेंगे, लेकिन इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, इसमें पार्शली जाएंगे तो ये पूरा मेटल ना होकर, पूरा कंडक्टर ना होकर ये सेमी कंडक्टर होगा, इसलिए हमने इसको क्या बोला है, सेमी कंडक्टर। क्लियर हुआ बच्चों? तो आज के जो वीडियो है, जो हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट है या पार्ट वन कह सकते हैं हम सेमी कंडक्टर का, वी आर जस्ट गोइंग टू सी जस्ट ओनली क्लासिफिकेशन ऑफ दी मटेरियल्स एंड वी क्लासिफाई मटेरियल्स ऑन द बेसिस ऑफ रेजिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी एज वेल एज बाय द हेल्प ऑफ एनर्जी बैंड डायग्राम। ठीक है बच्चों, इसमें ऊपर वाला बैंड कंडक्शन बैंड होता है, अगर इस बैंड में ही इलेक्ट्रॉन जाएंगे तभी ही कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा या सेमी कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा, अगर इसमें इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे तो वो कुछ भी बिहेव नहीं करेगा, इट मीन वो कंप्लीटली क्या होगा, इंसुलेटर। इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, इसमें कंडक्शन बैंड में, तो डेफिनेटली इसमें इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो सकते हैं, कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा, इसमें इतनी ज्यादा एनर्जी आपको देनी पड़ेगी तो पॉसिबल नहीं है उतनी एनर्जी देना, तो ये इंसुलेटर की तरह बिहेव करेगा। इसमें क्या करेंगे, आप थोड़ी भी हीट एनर्जी देना है आपको तो इसकी कंडक्टिविटी बढ़ जाएंगी। जैसे आप सेमीकंडक्टर, अभी हम देखेंगे सेमीकंडक्टर कुछ मटेरियल्स को देखेंगे, एलिमेंट्स, हमारा एलिमेंट्री सेमीकंडक्टर जो होता है दैट इज योर सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, एंड स्पेशली वी हैव टू डिस्कस अबाउट सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, और सिलिकॉन एंड जर्मेनियम से ही हम क्या बनाने वाले हैं, कुछ डिफरेंट टाइप्स के सेमीकंडक्टर बनाएंगे। ठीक है ना बच्चों, तो ये चीज समझ में आ गई, यस ओके। तो हम यहां पर जो देखेंगे, तो आई होप यू अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट वीडियो में जो हम देखने वाले हैं वो हम देखेंगे टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर। टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर कौन कौन से होंगे, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। फिर से ध्यान दीजिए बच्चों, देयर विल बी टू टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर, फर्स्ट इज इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, सेकंड इज एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ओके, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इज व्हाट, जो प्योर सेमीकंडक्टर होते हैं, प्योर सेमीकंडक्टर जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम, दीज आर प्योर सेमीकंडक्टर एंड दीज आर नोन एज इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स आर व्हाट, व्हिच आर मेड बाय सम इंप्यूरिटीज, कुछ इंप्यूरिटीज मिलाने से जो सेमीकंडक्टर बने उनको हमने बोला है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एंड स्पेशली वी हैव टू फोकस हियर अबाउट एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, मींस टू टाइप्स एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, p टाइप सेमीकंडक्टर एंड n टाइप सेमीकंडक्टर।
पी टाइप सेमीकंडक्टर किसको बोलते हैं, एन टाइप सेमीकंडक्टर किसको बोलते हैं, तो इसके लिए थोड़ा सा वेट कीजिए एंड वी विल लर्न अबाउट इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इन नेक्स्ट वीडियो. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग, ओके, एंड कीप वॉचिंग. थैंक यू.